हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पिटस एकेडमी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, सीजीएल मेंस में भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको करेक्टली स्पेल्ड या फिर रॉन्गली स्पेल्ड आपको ढूंढने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें से आप चार ऑप्शन है जिसमें से तीन गलत होगा और एक सही होगा, वही एक सही को आपको इसमें से चुनना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं द इम्पिटस एकेडमी के साथ। आप लोग तो जानते ही हैं, हम लोग डेली कुछ नया सीखते हैं। अभी हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं, OWS सीख रहे हैं, IP सीख रहे हैं, साइनो एंटो, बाबा ज्ञान जो कि आपका ग्रामर रूल है, द हिंदू का वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग सीखे हैं, एरर डिटेक्शन सीख लिए हैं, टेंस, नारेशन, वॉयस, ये सब हम लोग सीख रहे हैं और कुछ अभी सीख भी रहे हैं, क्योंकि नारेशन का चैप्टर जो हम लोग अभी आधा ही सीखे हैं उस पर भी हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक है, रीजनिंग में भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो है जिसमें एक ऐसा हम बताते हैं ताकि जिन्हें भी कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर जाकर अपना देख सकें, प्लेलिस्ट बना हुआ है ही, तो जिनको प्रॉब्लम है वो रीजनिंग में जाकर देख सकते हैं। जितना भी बताया गया है उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम समझते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, हम मेरा समझाने का तरीका वैसा है तो हमें लगता है कि शायद आप लोग समझ जाएंगे इजीली वे में। चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि चार ऑप्शंस में से तीन गलत है और एक सही है, वही एक को हमें चुनना है। चलिए देखते हैं आज का पहला करेक्टली स्पेल्ड। देखिए, एक्वेरियम, सबसे पहले तो हमें इन वर्ड्स का हिंदी भी जानना होगा, कि बस ये वर्ड मीनिंग जानने से तो नहीं होगा कि भाई क्या है, ये वर्ड्स को जानने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हम इनका हिंदी भी जानते जाएंगे, इनका अर्थ भी जानते जाएंगे, तो हमें एक फ़ायदा और होगा कि जैसे इन वर्ड्स को आप OWS के रूप में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे, तो ये वर्ड्स आपको OWS में भी देखने को मिल जाएंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको एंटोसाइनो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथ साथ में हम लोग सबसे पहले तो अपना राइट आंसर ढूंढेंगे, उसके बाद फिर उसका अर्थ ढूंढेंगे। ठीक है, देखिए, AQUARIM, ठीक है, एक्वेरियम, ये आपका इन चारों ऑप्शंस में से ये आपका राइट आंसर है ए। ठीक है, AQUARIUM, एक्वेरियम। ठीक है, अगर आप प्रोनाउंस सही से करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा एक्वेरियम। ठीक है, AQUA, एक्वेरियम, RIUM, एक्वेरियम मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसपेरेंट चीज जिसमें आप पेड़ पौधों या फिर मछली को रख सकते हैं। जैसे हम लोग एक्वेरियम, समझ गए आप लोग कि इसमें जो है आप एक ऐसा ट्रांसपेरेंट चीज ये होता है जिसमें आप पेड़ पौधों या फिर मछली को रख सकते हैं। यूजुअली आप देखेंगे कि इसमें मछली ही रखा जाता है, कलरफुल तरह के फिशेज होते हैं उसमें रखा जाता है और पेड़ पौधे भी साथ में होते हैं, तो एक्वेरियम ये आपका ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे, सर्कमलोकेशन, ठीक है, CIRCUMLOCUTION, ये आपका राइट आंसर है, सर्कम लोकेशन। मतलब कि बात करने के लिए आप बहुत सारे चीजों, बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं, उससे बोला जाता है सर्कम लोकेशन, CIRCUMLOCUTION। ठीक है, सर्कम लोकेशन एक ऐसा शब्द जिसे आप बार बार अपने बातों में यूज करते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, SANGUINE, सैनगिन, मतलब होता है असाधारण प्रकार का। ठीक है, असाधारण प्रकार का, ठीक है, SANGUINE। ठीक है, आप लोग स्पेलिंग तो आप लोगों को क्लियर व्यू होगा ही, तो आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग जो है एकदम सही देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, करेक्टली स्पेल्ड, रॉन्ग स्पेल्ड, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। CGL आपको मेंस में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, PT में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप अच्छे से एकदम अगर पॉसिबल हो तो कहीं पे कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इनका जो हम मतलब बताते जा रहे हैं, हिंदी बताते जा रहे हैं, वो भी आप कॉपी में नोट करते चलिएगा साथ में। चलिए देखते हैं आगे, परसीव,
डिसीव, रिसीव या फिर बिलीव। अब इनमें से हमें अपना करेक्टली स्पेल्ट जो है वो वर्ड ढूंढना है। तो ये करेक्टली स्पेल्ट आपका हो गया ऑप्शन बी। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? डिसीव मतलब आपका होता है धोखा देना। यहाँ देखिए परसीव जो है पी ई आर सी ई आई वी ई आपका राइट होगा। यहाँ पे रिसीव आर ई सी ई आई वी रिसीव होगा। और बिलीव होगा क्या? बी ई एल आई ई वी ई। बिलीव मतलब विश्वास, रिसीव मतलब प्राप्त करना। ठीक है, बिलीव मतलब ये देख लिए आप लोग स्पेलिंग जो है, अगर सही लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं नीचे बी ई एल आई ई वी ई और यहाँ पे आर ई सी ई आई वी ई रिसीव। और ये रिसीव का स्पेलिंग सही है। रिसीव मतलब होता है धोखा देना। चलिए देखते हैं आगे। इनजेन्यूस आई एन जी ई एन ई आई ओ यू एस। यहाँ देखिए आई एन जी ई आई सॉरी आई एन जी ई एन आई ओ यू एस इनजेन्यूस मतलब होता है आपका उदार। ठीक है, उदार प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है इनजेन्यूस। आई एन जी ई एन आई ओ यू एस ये आपका हो गया करेक्टली स्पेल्ट यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप लोग जिनको हिंदी भी लिखना हो वो लिख लीजिएगा, जिनको अगर याद हो तो वो रहने दीजिएगा, लेकिन करेक्टली स्पेल्ट जो है आप अपने स्पेलिंग को सही से लिखिएगा या फिर याद करिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अकोमोडेशन, ये देखिए आपका ऑप्शन ए जो है अकोमोडेशन। इन वर्ड्स में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो अगर स्पेलिंग आ रहा है उस वो आपका डबल ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए डबल सी है और यहाँ पर देखिए डबल एम है, तो यहाँ पर डबल सी डबल एम, जबकि ऐसा आपको देखिए सिर्फ यहाँ पर डबल एम है, यहाँ पर डबल सी है और वहाँ पर तो सिंगल ही है, लेकिन ऐसा स्पेलिंग में आपको ये जो वर्ड्स हैं वो हमेशा डबल ही होंगे। तो अकोमोडेशन मतलब होता है आवास। क्या होता है? आवास होता है अकोमोडेशन। चलिए देखते हैं आगे। ह्यूमेन एच यू एम ए एन ई ह्यूमेन। ह्यूमेन मतलब क्या होता है? ह्यूमेन मतलब होता है आपका दया, दयालु। ठीक है, एच यू एम ए एन ई ह्यूमेन एच यू एम ए एन ई स्पेलिंग आप लोग प्लीज सही लिखिएगा, मतलब होता है दयालु। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। रिमार्केबल, पहले तो आप लोग इसे तोड़ दीजिए कि रिमार्क, तो रिमार्क का स्पेलिंग ये होगा आर ई एम ए आर के, उसके बाद फिर एबल यानी कि ए बी एल ई, तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। रिमार्केबल मतलब हो गया अविश्वसनीय। ठीक है, अविश्वसनीय। चलिए देखते हैं आगे। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज मतलब आप लोग जब टीवी टेलीविज़न देखते हैं तो उस पर एडवर्टाइजमेंट आता है, बस वहीं से आपका एडवर्टाइज हो गया है। तो ये ए डी वी ई आर टी आई एस ई। ठीक है, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज मतलब होता है विज्ञापन आना, विज्ञापन होना या फिर विज्ञापन आना। ठीक है, ए डी वी ई आर टी आई एस ई। चलिए देखते हैं आगे। प्लेबियन, प्लेबियन मतलब होता है साधारण, सर्वसाधारण इंसान जो होते हैं, सर्वसाधारण लोग जो होते हैं उन्हें बोला जाता है प्लेबियन। ये देखिए आपका राइट आंसर कौन सा है? डी, पी एल ई बी ई आई ए एन। प्लेबियन मतलब होता है सर्वसाधारण लोग, साधारण लोग। ठीक है, पी एल ई बी ई आई ए एन। चलिए देखते हैं आगे। न्यूसेंस, न्यूसेंस क्या मतलब, क्या होता है न्यूसेंस? मतलब होता है बुरे लोग। ठीक है, ये देखिए आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका बुरी बातें, बुरी चीज़ें, बुरे लोग, इस प्रकार का ये सेंस होता है न्यूसेंस का। ठीक है, एन यू आई एस ए एन सी ई। यहाँ देखिए यहाँ पे सी ई है, ये आपका राइट आंसर है। न्यूसेंस मतलब हो गया बुरे लोग, बुरे चीज या फिर बुरी वस्तुएं। तो ये है आपका न्यूसेंस का राइट स्पेलिंग। तो यहाँ देखिए A Q U A R I U M एक्वेरियम आपका राइट आंसर है। सर्कम लोकेशन C I R C U M L O C U T I O N। ठीक है, सैनगिन S A N G U I N E डिसीव D E C E I V E इंजीनियस I N G E N I O U S अकोमोडेशन A डबल C O डबल M O D A T I O N ह्यूमेन एच यू एम ए एन ई रिमार्केबल आर ई एम ए आर के ए बी एल ई एडवर्टाइज ए डी वी ई आर टी आई एस ई प्लेबियन पी एल ई बी ई आई ए एन
PLEBEIN मतलब सर्वसाधारण लोग, न्यूसेंस NUISANCE न्यूसेंस मतलब बुरे लोग, बुरी वस्तुएं या फिर बुरी चीजें, ठीक है। तो ये है कुछ करेक्टली स्पेल्ट, हम लोग आगे भी इसमें पढ़ेंगे। आई होप कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट साबित हो और एग्जाम्स में आपके आते ही हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इन वर्ड्स को अच्छे से देख लीजिएगा, इनका अर्थ जो है वो भी याद कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको एंटोस आना या फिर ये जो वर्ड है आपका OWS में भी आ सकता है, ये जो वर्ड है ये वर्ड्स हैं आपके एंटोसाइनो में आपको देखने को मिलेंगे, ये भी वर्ड आपको एंटोसाइनो में, एकोमेंडेशन ये आपको एंटोसाइनो और OWS में भी देखने को मिलेंगे। तो सारे वर्ड जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कोई वर्ड आप छोड़े ना, अब अपना राइट करेक्टली स्पेल्ट जो है उन वर्ड्स को याद रखें और उनका अर्थ भी साथ साथ में याद करते चलें, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे, सीखेंगे। मिलते हैं कल के क्लासेस में, थैंक यू।